वेलकम बैक टू द नॉर वीडियो। स्वागत है आपका ड्रीम कार्स कम ट्रू की एक और नई वीडियो में। एंड सामने आप अपने जो गाड़ी देख रहे हो भाई, साफ साफ नंबर प्लेट पे आपको दिख रहा है, फ्रॉन्क्स खड़ी है मारुति सुजुकी की। भाई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में कई सारे वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, सिग्मा हो, डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, जेटा हो, चाहे अल्फा हो, भाई कई सारे वेरिएंट मार्केट में आए। लेकिन आज अपने सामने जो वेरिएंट खड़ा है वो जो भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है, सिर्फ इसमें दो वेरिएंट जो मुझे लगते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, एक ये एक जस्ट के ऊपर आने वाला, मतलब कि सामने आपके खड़ा है डेल्टा वेरिएंट और इसके ऊपर आता है एक डेल्टा प्लस, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे अपने सामने खड़े हुए डेल्टा वेरिएंट के बारे में, क्या कुछ देखने को मिलता है गाड़ी, क्या कुछ प्राइस है, कैसे फीचर्स है कम्प्लीटली, और क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। भाई फ्रॉन्क्स जो मार्केट में जब से आई है उसको लेने के लिए कई सारे लोग बेताब हैं यार कि कौन सा वेरिएंट में टॉप वेरिएंट लिया भाई, टॉप वेरिएंट में पैसा लगाया जाए फिर और किसी वेरिएंट में देखा जाए, जहां मतलब भाई पैसा सही लगे और जो चीज़ होती है जरूरत है कि सारी चीज़ मिले, बाकी गाड़ी तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है ही। सो भाई हम लोग आज उसी वेरिएंट के सामने खड़े हैं जो आपके ओवरऑल सारी मनी वर्थ लगती है जिस पे लगाने पे और कोई भी अफसोस आगे चलकर नहीं होता है, वो वेरिएंट साथ में खड़ा है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट। तो जल्दी से भाई शुरू करते हैं क्या कुछ भाई फ्रंट में देखने मिलता है। लेकिन फ्रंट से पहले एक बार हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस की। तो भाई 8,32,000 इसका शोरूम प्राइस पड़ता है फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट का। आपको अगर बात करें ऑन रोड की तो भाई घर ले जाने की जो एंडिंग प्राइस है आपकी, घर किस प्राइस पे ले जाओगे, 9,61,000 आपकी प्राइस पड़ती है इसकी जो ऑन रोड प्राइस है डेल्टा वेरिएंट की। कुछ ज़्यादा भी कह सकते कि यार ये आपको थोड़ी ओवर प्राइस लगेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फीचर्स में इतने अच्छे खासे दिए गए हैं, बॉडी इसका मतलब आपको मारुति ने इतने कम रेंज में आपको कूपे वाला स्टाइल पूरा उरुस का फील दिया, मॉडिफाई करा लो तो उरुस बना लो आप चाहो तो, पैसा आपके पास तो अच्छा खासा वो कर सकते हो। तो 9,61,000 ठीक है, मतलब ओके ओके है। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं इसकी की के बारे में। भाई डेल्टा वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट नहीं है आप जानते हो। तो भाई मारुति यही वाली की देखने को मिलती है जो आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती है, फिजिकल वाली कुछ तरीके से अपने सामने देखो। ये अच्छी बात है कि दोनों में ही आपको सेंट्रल लॉकिंग की बटन्स देखने को मिल जाती हैं। बाकी भाई फ्रंट से आप देख रहे हो वाइट कलर अपने सामने कई कलर्स में आती है। बात करें भाई फ्रंट में चल के क्या कुछ देखने को मिलता है, तो भाई यहाँ पर जो अपने आप देख रहे हो ये पूरा भाई आपको देखने को मिलता है ऐसा एरिया। लेकिन अगर टॉप वेरिएंट में बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको DRL और जो इंडिकेटर आपका वो इसी में प्लेस देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आपको भाई डेल्टा वेरिएंट में यहाँ पर एक छोटा सा पायलट लैंप देखने को मिल जाता है अंदर, और बाकी ये आपका टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है कुछ तरीके से। फ्रंट की आप ग्रिल वगैरह की बात करें तो भाई कुछ तरीके से देखने को मिलती है बेस वेरिएंट से ही आपको फ्रंट में यहाँ पर पूरी क्रोम की फिनिश वाली मोटी सी ग्रैंड विटारा जैसी ग्रिल आपको देखने को मिलती है। फ्रंट का पूरा लुक ग्रैंड विटारा जैसा है। जो लोग नहीं जानते हैं भाई फ्रॉन्क्स कैसी गाड़ी है, कई लोग कन्फ्यूज सकते हैं कि भाई ग्रैंड विटारा जा रही है या फिर फ्रॉन्क्स जा रही है। तो भाई ये तो बात हो गई भाई मोटी मोटी फ्रंट की। बाकी टॉप वेरिएंट में आप बढ़ोगे तो यहाँ पर पूरा आपको पियानो ब्लैक का फिनिश वगैरह देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर फ्रंट के सेटअप की बात करें कैसा आपको सेटअप देखने को मिलता है, हेडलैम्प का प्लेसमेंट उसकी ऐसी रखी गई कि नीचे आपको किसी भी फॉग लैम्प वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाता है आपका हेडलैम्प जो कि हेलोजन बेस्ड है, प्रोजेक्टर में है चारों ओर, आपको यहाँ पर क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है उस तरीके की। तो ये तो भाई हो गई बात आपकी फ्रंट की जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है। ये भाई अगर ग्रैंड विटारा लेने का मन है, अगर बजट नहीं अलाउ करता है तो आप फ्रॉन्क्स को अपनी मनपसंद गाड़ी के तौर पर आप इसे ले सकते हो। बाकी साइड में चलकर बात करें क्या कुछ व्यू है, तो व्यू आपको एक बार दिखा दूँ भाई पीछे से लेकर साइड का ओवरऑल भी कुछ तरीके से आता है, काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है। एक कूपे टाइप का डिज़ाइन मार्केट में लॉन्च किया गया है फ्रॉन्क्स को लेकर के। ओवरऑल बात करें अगर इसके टायर साइज़ की तो देखने में भाई काफ़ी बड़ा लग रहा है। गुडियर का यहाँ पर टायर आपको देखने को मिल जाता है। सेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो 195/60 R16 के स्टील व्हील आपको देखने को मिल रहे हैं विथ व्हील कवर्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसमें आपको 17 व्हील्स आते हैं बेस वेरिएंट से ही। इसमें भी काफ़ी बढ़िया है कि भाई चाहते तो ये भी सिर्फ डिज़ायर तरीके या नॉर्मल 14 या 15 इंचेस दे सकते हैं, लेकिन इसमें 16 इंचेस का आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखोगे तो भाई कंप्लीट ओवरऑल आगे से लेकर पीछे तक पूरी क्लैडिंग वगैरह का एरिया आपको देखने को मिल जाता है कुछ तरीके से। और साइड में आप देख रहे हो डोर हैंडल उस तरीके से। बाकी टॉप वेरिएंट जाओगे तो कीलेस एंट्री मिलेगी, दोनों आपको जो डोर्स हैं उन पे आपको रिपेयर सेंसर वगैरह देखने को मिल जाएगा। साइड में आप जो आरवीएम यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल डेल्टा वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर मुझे लगता है क्योंकि भाई एक लुक आता है ना गाड़ी जब स्टार्ट करो वगैरह या आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड कर लो तो एक तगड़ा लुक आता है जो भाई सबको काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी और भाई साइड से पूरी कूपे जैसी लगती है, हैचबैक का मतलब सोचा लेकिन जो पीछे की डिज़ाइन ऐसी रखी गई है पूरी कूपे लगती है भाई। आगे से देख रहे हो ना पीछे ये जो पूरा उरुस को ऐसा लगता है उरुस खड़ी है वो पूरा फील आपको प्रोवाइड कराती है भाई पूरा एक बार, मतलब इसको जितना नहीं आ रहा उतना कम ही लगता है। आगे से हम लोग ऐसे आते देखो एक बार आपको ग्रैंड विटारा दिखाता हूँ अपने मन की बात जो मुझे लगती है। ग्रैंड विटारा का एक बार ध्यान से लुक देखो आगे से, ठीक है अगर हम पीछे छुपा लें है ना उतनी हाइट अगर ना हो कोई कह सकता है कि ये भाई मतलब
आपकी ग्रैंड विटारा है, ये भी फ्रॉन्क्स बन जाएगी, लेकिन उसको देखोगे अगर इसकी हाइट बढ़ा दी तो ये ग्रैंड विटारा बन जाएगी। तो इतना अंतर है भाई, मतलब चेहरे से बिल्कुल छोटी बड़ी वैन वाला सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। ये कुछ चीज़ें हैं, गाड़ी बहुत ही प्यारी लगती है, काफ़ी हद तक सेम है। अब भाई चल के बात करते हैं पीछे की, जिसका बड़ा नाम है भाई कूपे, कूपे कर दिया। तो पीछे का डिज़ाइन इतना अच्छा क्या है, ऊपर भाई डेल्टा वेरिएंट से आपको रूफ रेल देखने को मिल जाती है, जो ही काफ़ी अच्छी बात है। पीछे चल के बात करें तो भाई नेक्सा का लोगो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, और ये आपकी भाई LED लाइट्स देखने को मिलती हैं, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती हैं। पीछे आप देखोगे चार आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3 और एक उधर कोने में 4। ये आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, नीचे स्किड प्लेट आपको देखने को मिलती है आपकी यहाँ पर सिल्वर कलर की। सुजुकी लोगो, ये पूरी जो लाइट आप देख रहे हो ये कंटिन्यू नहीं है, यहीं तक आपकी नॉर्मल आती है, ये बस बीच में दिया गया मिलती है, वो भाई कुछ तरीके से आपको जलती हुई दिखती है, जो काफ़ी प्यारी सी फुली LED सी हैं। जो भाई ब्रेजर्स हम देख रहे हो ना LED वाला सीन बेस ब्रांड से दे रहे हैं, यहाँ पर भी LED है, कंटिन्यू तो नहीं है, मैंने आपको बताया था। बाकी ओवरऑल लाइट कुछ तरीके से ही देखने को मिलती है। डिफॉकर वगैरह आपको बेस ब्रांड से ही मिल जाता है इसमें, डेल्टा में तो आपको मिल ही रहा है, वाइपर वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर देख रहे हो आप यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर भी काफ़ी अच्छा सा है। बाकी शाफ्ट की नटी ना रूफ रेल तो मैंने आपको बता ही दिए। फ्रॉन्क्स की बैजिंग यहाँ देखने को मिल जाती है उस तरीके से, बाकी वेरियंट की तो आपकी बैजिंग है ही नहीं इस पर। तो ये कुछ पूरा ओवरऑल है, अंडर टच स्क्रीन इसमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, वो तो भाई आप आफ्टर मार्केट लगवा ही सकते हो। बाकी भाई ओवरऑल पीछे का आपको लुक एक बार दिखा दूँ कैसा देखने को मिलता है। तो ये भाई पीछे का पूरा लुक है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा लगता है। अब चलते हैं भाई उधर साइड कैसा कुछ देखने को मिलता है। ये आप फूल देख रहे हो भाई, 37 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो कि पेट्रोल में ही आती है। कोई बाहर बाहर से तो आपने देख ली डिज़ाइन कैसा है ऊपर साइड का, मतलब इधर तो देखो हैचबैक जैसी लगती है, लेकिन पीछे चल करके जो ओवरऑल एरिया है ना वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जो हल्का सा होता है, जो आपकी हैचबैक वगैरह होती है थोड़ी दब जाती है, लेकिन लाइट का डिज़ाइन और पीछे का जो इतना एक देख रहे हो ना इस तरीके से, मतलब डिज़ाइन किया गया कि कूपे वाला स्टाइल लगता है। तो ये भाई चीज़ों की बाहर बाहर की हम लोग चलते हैं, इतनी देर से बाहर भटका रहा सोच रहे होगे, अंदर चल के नहीं दिखा रहा भाई, अंदर चल के दिखाते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है, कैसे फीचर्स हैं, क्या कुछ चेंजमेंट इंटीरियर में, कैसे मटेरियल के यूज़ किया गया। सबसे पहले आप डोर की बात कर लो भाई, यहाँ पर बरगंडी कलर का आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, फैब्रिक है कोई बात नहीं लेकिन सॉफ्ट टच तो दिया है, पूरा हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये आपको प्लास्टिक है लेकिन ये पूरा एरिया सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। ऑटो वाई आपको देखने को मिल जाती है, जो आपकी ड्राइवर साइड वाली लॉक अनलॉक, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको ORVM देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी नीचे बॉटल होल्डर, थोड़ी स्पेस, स्पीकर यहाँ पर देखने को मिल जाती है उस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर। बाकी भाई इंटीरियर की हम लोग अभी बात करेंगे। सीट्स जो हैं आपकी, सीट्स आपको भाई उस तरीके से देखने को मिलती है, इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का देखने को नहीं मिलता है, जो भाई थोड़ा वो लगा, लेकिन कोई बात नहीं, हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती है। एक फैब्रिक सीट्स देखने को मिलती है, ये पूरे बरगंडी कलर में, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, स्कूप्स काफ़ी अच्छे हैं, बैठने में काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको। बाकी भाई इंटीरियर तो आप देख ही रहे हो उस तरीके से, अभी बैठ के भी दिखाऊंगा और अंदर चल के हम लोग बात करेंगे कैसा कुछ देखने को मिलता है शांति में। हाँ भाई फ्रॉन्ग सबसे आई ना तो पूरी बराबर भीड़ भीड़ लगी पड़ी है चारों ओर की भाई, गाड़ी गाड़ी क्या गाड़ी हो गई, मतलब हाहाकार मजाक रखा है। क्योंकि प्राइस सेगमेंट ऐसा है, जिनको बलेनो लेनी है वो फ्रॉन्ग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको ग्रैंड विटारा लेनी है वही फ्रॉन्ग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मार्केट में हर जगह बिल्कुल हाहाकार मजाक रखी है। हम लोग बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर कैसा कुछ यहाँ पर शो है। तो ये भाई इंटीरियर कुछ तरीके से हम लोग कहा था भाई अंदर चल के बात करेंगे। ये भाई कुछ तरीके आपको नॉर्मल आपका जो मारुति वाला स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी पॉपुलर आप सभी जानते हैं, वो देखने को मिल जाता है। लेदर फिनिश नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फिनिश ब्लैक कलर की दी जाती है, जो कि भाई यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक में है, लेकिन छूने में काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, ऐसी बात नहीं। अगर आपको लेदर नहीं दिया गया है तो आपको काफ़ी मतलब ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा फिनिश है। यहाँ पर पूरे आपके टेलीफोनी वगैरह के और वॉइस कमांड कंट्रोल वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो सुई का लोगो है। वॉइस स्टीयरिंग व्हील आप भाई रग रग से वाकिफ हो गए, इसकी टिल्ट तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कुछ तरीके से, टेलीस्कोपिक भी आपको टॉप वेरिएंट में मेरे हिसाब से मिल जाएगा, बाकी डेल्टा में तो आपको टिल्ट ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पर जो बात करते हैं यहाँ पर हेडलैम्प्स के बारे में, तो आपके भाई यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कुछ तरीके से, जो कि आपके हेडलैम्प हो चाहे वाइपर दोनों ही मैन्युअली आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ देखोगे तो भाई ट्रैक्शन कंट्रोल भी, हो भाई डेल्टा में ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप आपको जो देखने को मिलता है ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से, यहाँ से भाई बीम का लेवलर आप देख सकते हो, लेवल कर सकते हो। यहाँ पर कार्बन फाइबर की आपको फिनिश देखने को मिल जाती है कुछ तरीके से एसी वेंट्स पर। ओवरऑल ये पूरा जो एरिया है ना भाई बरगंडी कलर में पूरा, मतलब बता दो रहे हैं अंदर से आप देखोगे तो ये पूरा जो लुक है जो मैं बता रहा हूँ मुझे जो लगता है ग्रैंड विटारा वाला लगता है। बता तो रहे ग्रैंड विटारा की छोटी बहन कहो तो भाई कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सच बात है, ग्रैंड विटारा की छोटी बहन से आप कह सकते हो पूरी पूरी तरीके से। अब भाई तो बात हो गई, क्लस्टर को ऑन करके दिखाता हूँ भाई क्या कुछ है और ये यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है ऊपर देखने में।
कि वो पुराना वाला जो मारुति का आता था यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज बन के आता था वो वाला ही कौन सा इसमें लगाया गया उसको देखते हैं। तो भाई चाबी ये रही अपने पास, चाबी लगाते हैं। चाबी लगाई, ये भाई अपना ऑन हो गया क्लस्टर कुछ तरीके से, ठंडी ठंडी हवा चालू। बता दूं भाई ऑटोमेटिक एसी आता है ये तो आप जानते हो, ये तब से स्टार्ट हो गया जब से बलेनो आई मार्केट में। ग्रैंड विटारा भी बेस वेरिएंट से आता है, इसके बेस वेरिएंट से भी आपका ऑटोमेटिक एसी आ जाता है। वही वाला भाई अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी प्यारा सा जो लगता है सभी को एनालॉग में। आई नो हाँ ठीक है चलो इसकी बात करें भाई। 220 तक की स्पीड है यहाँ पर, 8000 तक RPM है, सारे इंडिकेशन आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से अपना एडजस्ट वगैरह आप कर सकते हो, यहाँ से भी करके दिखाता हूँ कैसा क्या कुछ चल रहा है। नीचे देख सकते हो एवरेज वगैरह रेंज वगैरह आपको शो हो रही है, आपको बता रही थी कैसा चल रहा है। नीचे देख सकते हो 9.2 का दिखा रही है, उस पर भाई विश्वास मत करना। टाइम वगैरह, इंजन टेम्परेचर, मतलब ऑल टोल्ड सारी चीज़ें आपको बीच में देखने को मिल जाती है। यहाँ देखो भाई एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। स्मार्ट प्ले प्रो दे दिया है भाई आपको डेल्टा वेरियंट से ही, वरना आपका नॉर्मल वाला जो आपकी सभी गाड़ी बलेनो में पुरानी बलेनो में आता था ऑरेंज वाला नॉर्मल सा, वो वाला आता है इस समय आपकी जो नॉर्मल बनने वाली रही बलेनो आ रही है उसके डेल्टा वेरिएंट में। लेकिन भाई फ्रॉन्क से डेल्टा वेरिएंट में आपको ये स्मार्ट ब्ले प्रो देकर रखा है। यहाँ कार्बन फाइबर की फिनिश है पूरा आपको भाई, पूरा यहाँ पर सिल्वर शाइनी देकर रखा है ये उधर से लेकर के ऊपर यहाँ तक। ये बरगंडी कलर भले है लेकिन हार्ड प्लास्टिक में, वहाँ पर कार्बन फाइबर है, यहाँ पर कार्बन फाइबर है, एंड यहाँ पर कार्बन फाइबर देकर रखा हुआ है। बात करें यहाँ पर भाई ऊपर साइड, तो भाई ये भी काफ़ी अच्छी प्लास्टिक से बना हुआ है। ये आप देख रहे हो भाई डे एंड नाइट IRVM देखने को मिल जाता है। तो यहाँ मोटा मोटा भाई सारा काम करके रखा है, कोई भी शिकायत नहीं है। नीचे देखो तो USB का यहाँ पोर्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आपका 12 पोर्ट। USB वाले ओपन करके दिखाता हूँ, हाँ अंदर भाई USB का पोर्ट है कुछ तरीके से। यहाँ थोड़ी स्पेस फोन रखने के दो आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं, कप होल्डर वगैरह मैनुअल ये है, ऑटोमेटिक वेरिएंट आप चाह ले सकते हो। यहाँ पर भी भाई पूरी कार्बन फाइबर आपको देखने को मिल जाती है फिनिश। ये आपका मैनुअल हैंडब्रेक वगैरह है। बाकी भाई ओवरऑल स्पीकर्स की बात करें तो भाई 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम देखने मिल जाता है। ये नीचे देख रहे हो स्पीकर लगा हुआ, एक उधर लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर कोई भी आपको कोई भी देखने को नहीं मिलते हैं ट्विटर वगैरह। बाकी पीछे दो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे तो 4 ओवरऑल हो जाते हैं। तो भाई यहाँ की तो बात हो गई जो आपके ड्राइवर साइड की है पूरी, आगे का मैंने आपको दिखाता हूँ ग्लव बॉक्स बाकी खोल के दिखाता हूँ। डिसेंट साइज़ की आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर स्पेस वगैरह। ग्लव बॉक्स हल्की क्वालिटी लगी मुझे, देख रहे हो सट से बंद और थोड़ा हल्का सा लगा, लेकिन बाकी ओवरऑल यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ देखोगे तो आपको टिकट होल्डर नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर वैनिटी मिरर वगैरह देखने को मिल जाता है कुछ तरीके से। बाकी ये सब आगे आगे का हो चुका है, पीछे के मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ से ओपन करेंगे भाई, गाड़ी बंद कर ली है, चलते हैं भाई पीछे साइड क्या कुछ देखने को मिलता है। बंद किया, पीछे का डोर ओपन किया, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी सॉफ्ट टच पीछे बरकरार है, कोई कमी नहीं है, पूरा सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलता है। पावर विंडो कंट्रोल, और बाकी यहाँ पर आपका लिवर ब्लैक कलर में दिया गया है। नीचे स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, लेकिन भाई सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये पीछे इतना स्पेस है ना कि भाई आराम से आप बैठ सकते हो। भाई ये सीट है मैंने सबसे पीछे कर लिया था, अब भाई बैठ कर दिखाता हूँ कैसा आपको स्पेस देखने को मिलता है। ये देखो भाई लेग रूम देख रहे हो ना, ये भाई इतना लंबा, ये अगर चिपका दे लोग तो इसमें सटा सटा के जाते हैं, लेकिन इतना लंबा लेग रूम है। लेग रूम की एक भाई ये जो सीन बनाया है ना पूरा जो लगता है पीछे से आपको कूपे टाइप का, तो ये और भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें बीच में आपको देखने को मिल जाता है व्हील बेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर लेग रूम प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर एडजस्टेबल हेड रेस्ट डेल्टा वेरिएंट में भी देखने को मिल जाते हैं भाई, टॉप वेरिएंट की तो बात ही अलग है, जो कि भाई काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। तीनों एडजस्टेबल है यहाँ पर, 3 हेड रेस्ट ऊपर एडजस्टेबल दे दिया, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। भले यहाँ पर आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है वो चल जाएगा, और यहाँ पर छोटा सा क्वार्टर ग्लास देखने को मिल जाता है जो पूरी पूरी कोपे वाली फील देता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं हैंडल बार्स यहाँ पर, यहाँ पर, और बाकी तीनों तरफ आपको देखने को मिलते हैं। ड्राइवर साइड देखने को नहीं मिलता, वो बात अलग है। यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलती है कुछ तरीके से, और पीछे से जो लुक आप देख रहे हो ये भाई ओवरऑल इस तरीके से देखने को मिल जाता है। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, ये भाई कुछ तरीके की फील देखने को मिल जाता है। तो भाई पीछे की बात ये हो गई, यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस, नीचे स्पेस देखने को मिल जाता है। 12V का पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये भाई पूरा खाली आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है, ये थोड़ी चीज़ है। आर्मरेस्ट हो गया और पीछे रियर एस इवेंट इसमें देखने को नहीं मिलते हैं आपके डेल्टा वेरिएंट में। बाकी ओवरऑल गाड़ी पूरी फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, आराम से भाई फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं, ठूस के भरना चाहो तो भाई वो भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे बच्चे 10-10 भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो भाई बात हो गई ओवरऑल आपके रियर सीट वाले की। अब चलते हैं इसके बूट की बात करते हैं, कैसा क्या कुछ बूट है, क्या कुछ स्पेस देखने को मिलता है। अब भाई बूट की बात करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, ये नीचे से है, ये भाई ओपन हो गया आपका बूट, ये पूरा ऊपर तक की, और यहाँ पूरी आपकी देखने को मिल जाती है इंसुलेशन वगैरह, हैंडल बार वहाँ पर है। 308 लीटर्स का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है गाड़ी में, देख सकते हो।
काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है, बड़े बड़े आपके ट्रॉली बैग वगैरह भी आराम से आ जाएंगे। फर्स्ट एड किट नेक्सा वगैरह की यहाँ देखने को मिल जाती है। नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर आपका स्टील व्हील देखने को मिल जाता है, जो आपका भाई काम आता है इमरजेंसी में। यहाँ देख रहे हो तो कोई यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है, टॉप एंड मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेस। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह आपको इसमें आ जाती है देखने को। यहाँ पर हुक्स दिए हुए हैं, इधर साइड आप आराम से सामान वगैरह टांग सकते हो इस हुक्स में। तो ये भाई 308 लीटर का बूट स्पेस कुछ तरीके से दिखता है आपको, यहाँ से बंद कर सकते हो। हाइड्रोलिक्स तो है ही। तो भाई ये मोटा मोटा पूरा आपका हो गया काम कम्प्लीटली, क्या कुछ देखने को मिलता है। देखने में भाई गाड़ी काफ़ी अच्छी से लगी मुझे ओवरऑल, यहाँ से देख सकते हो। अब भाई एंड में बात कर चलते हैं इसके इंजन के बारे में बात करें अगर, तो भाई वही दिखा दिखाया आप देख सकते हो, आपको पता है कौन सा इंजन यहाँ पर देखने को मिलता है। 1.2 लीटर वाला जो आपकी बलेनो वगैरह में आता है वो वाला इंजन इसमें देखने को मिलता है, जो कि आपको 88 bhp की पावर 113 nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। माइलेज वगैरह आपको पता है 21, 22 तक आराम से निकल आती है, जो मारुति क्लेम करता है अपनी फ्रॉन्क्स में। इसमें भाई इंजन ऑप्शन की बात करें, दो इंजन ऑप्शन मारुति ने देकर रखे हैं। एक आता है इसका 1 लीटर वाला, जो कि आपको टॉप वेरिएंट्स वगैरह देखने को मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा, वो 1 लीटर का टर्बो चार्ज वाला आता है, जिसकी भाई पावर आपकी पड़ जाती है ओवरऑल पावर की बात करें तो भाई 98 मतलब मोटा मोटा 100 bhp की मान सकते हो, वो टर्बो चार्ज इंजन आपको निकाल देता है। और टॉर्क है उसका भाई 147 Nm तक का टॉर्क आपको निकाल के देता है, मतलब कि इसके 1.5 लीटर वाले इंजन से भी ज़्यादा टॉर्क वो निकाल देता है जो इसमें आता है टर्बो चार्ज वाला इंजन। ये जो आपकी ग्रैंड विटारा खड़ी इसका 1.5 लीटर वाला जो इंजन आता है वो 136 bhp का निकालता है, जबकि इसका टर्बो चार्ज वगैरह अगर आप इसके ऊपर वेरिएंट्स में जाते हो उसमें मिलेगा, वो आपको 146-147 Nm तक का टॉर्क जनरेट करके देता है। तो भाई ये ओवरऑल बात रही, बाकी भाई सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए क्या कुछ देखने को मिलता है ग्रैंड विटारा में। आप बताइए आपको कैसी लगी, क्या आप ग्रैंड विटारा लोगे या फिर आप ये सामने अपनी फ्रॉन्क्स लोगे, जो आपको पसंद आती है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। फिर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।